बुधादित्य योग, जिसमें सूर्य और बुध दोनों का योग कारक, दोनों की शुभता होना अति आवश्यक है। यदि बुधादित्य योग में चाहे वो किसी की भी कुंडली हो, किसी भी लग्न का कुंडली हो, यदि उस लग्न की कुंडली में सूर्य या बुध दोनों योग कारक न हो, एक योग कारक हो दूसरा मारक हो, एक योग कारक हो दूसरा मारक हो, अथवा दोनों मारक हो, तब किसी भी कीमत पर बुधादित्य योग नहीं बनता है। इसमें कई अन्य स्थिति बन सकते हैं 6-8-12 भावों में, लेकिन विशेष रूप से बुधादित्य योग में दोनों का बलवान होना, दोनों का योग कारक होना अति आवश्यक है। बिना इन दोनों ग्रहों के योग कारक हुए कभी भी बुधादित्य योग फलीभूत नहीं दे सकता। अन्य योग फलीभूत दे सकते हैं, जैसे कि नीच भंग राजयोग, जहाँ पर बुध नीच का हुआ, कहीं से बृहस्पति या शुक्र का प्रभाव आया तो उच्च का हो गया, तो वहाँ से नीच भंग राजयोग या शत्रुहंता योग, ये सब योग मिल सकते हैं, लेकिन बुधादित्य योग का प्रॉपर फल नहीं मिल पाएगा। विशेष रूप से 90% कुंडलियों में, 100 कुंडली में से 90 जन्म कुंडली में बुध सूर्य से अस्त होता है। बुध डिग्री वाइज कमजोर होता है, बुध षडबल में कमजोर होता है, बुध के पास अष्टक वर्ग में कुछ बल होते हैं, तो ज़्यादातर कुंडलियों में बुध अस्त पाया जाता है या बुध कमजोर होता है। अब बुध बलवान हो जाए तो सूर्य कमजोर होगा, सूर्य या तो किसी का रात का जन्म है तो सूर्य कमजोर हो जाएगा, अक्टूबर के माह का जन्म है तब उसका सूर्य कमजोर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य तुला राशि के साथ बैठेगा, सूर्य डिग्री वाइज कमजोर हो जाएगा, सूर्य षडबल में कमजोर हो जाएगा, सूर्य को अष्टक वर्ग में बिंदुएं नहीं मिली हुई होगी ज़्यादा, बिंबसोपक बल में भी सूर्य कमजोर होता है। इसमें दोनों का योग कारक होंगे तभी फलीभूत होगा। जहाँ भी एक योग कारक हुआ एक मारक, या दोनों में से कोई डगमगाया, तो बुधादित्य योग फलीभूत नहीं होगा। और ये दोनों योग भी बन रहे हैं, यानी दोनों सूर्य और बुध अच्छी बलि के साथ भी केंद्र तथा त्रिकोण में बैठे हुए हों, उसके बाद भी किसी राहु शनि या मंगल की दृष्टि आ जाए, तो राजयोग का तो फल मिलेगा लेकिन उसमें कमी हो जाएगी, क्योंकि एक तरह से वो राजभंग योग बन गया। जो राजयोग हो रहा है उसको शनि राहु ने देख करके राजभंग कर दिया। मंगल तो कई बार यदि लग्नेश पंचमेश नवमेश होकर दृष्टि डाल दे तब तो अच्छा रहता है, लेकिन शनि भी अगर लग्नेश पंचमेश नवमेश हो तो भी अच्छा देगा, किंतु बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देता है। खैर छोड़िए, क्योंकि वो तो बुधादित्य योग का जो सीरीज था वो मैंने दिया। अब देखते हैं कि अष्टम स्थान में बुधादित्य योग का क्या फल होगा। यदि आप ये नहीं जानते हैं कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव से हम किन किन चीज़ों के बारे में विचार करते हैं, तो इसके लिए आप सर्वप्रथम चैनल में एक दिन पहले अपलोड हुआ है जन्म कुंडली के अष्टम भाव से किन किन चीज़ों के बारे में विचार किया जाता है, इस नाम से टॉपिक है, थंबनेल आपको मिल जाएंगे, उसको जाकर आप पहले देखिए। जन्म कुंडली का अष्टम स्थान 6-8-12 भाव किसी भी राजयोग का निर्माण नहीं करता किसी भी कीमत पर। नीच भंग राजयोग हो सकता है, विपरीत राजयोग का फल मिलेगा, लेकिन जैसा कि मैंने पूर्वार्ध में शुरू में ही कहा कि बुधादित्य योग का प्रॉपर फल नहीं मिल पाएगा। चलिए देखते हैं क्यों नहीं मिलेगा। अष्टम स्थान में बुध, जो कि वाणी का कारक ग्रह है, जो कि मुख का कारक ग्रह है, जो कि त्वचा का कारक ग्रह है, जो कि व्यापार का कारक ग्रह है, जो कि मित्र का कारक ग्रह है, ये बुध यदि अष्टम स्थान में बैठ गया, कमजोर होकर के बैठ गया, बलवान है फिर भी ज़्यादा फल नहीं देगा लेकिन मध्यम फल देके छोड़ देगा, और बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया तब ये मान लीजिए कि ऊपर से तो करेला है ही और नीम चढ़ गया, ऊपर से या तो करेला है उसके ऊपर नीम कहिए, या फिर एक नीम दो ऊपर करेला चढ़ा, जो कहना है सो कहिए। अष्टम स्थान में बैठेगा बुध, मित्रों से धोखा मिलेगा। अष्टम स्थान में बुध कमजोर होकर के बैठेगा, मुंह से बदबू मारेगी, मुंह से पायरिया जैसी संबंधित बीमारी हो सकती है। अष्टम स्थान में बुध पीड़ित होकर बैठेगा, जातक को चर्म रोग, यानी विशेष रूप से फंगल इन्फेक्शन, दिनाई, खुजली, ये सब जो बीमारी होते हैं ये जल्दी जातक को पकड़ लेते हैं, और ये जाने का नाम ही नहीं लेते हैं, क्योंकि विशेष रूप से त्वचा का कारक ग्रह जो बुध है वो अष्टम स्थान में चला गया है। बुध अष्टम स्थान में रहेगा, व्यापार में जातक को निरंतर हेर फेर होगा। बुध एक बालक ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति के पास बच्चे कभी नहीं जाते। आप प्रयास कीजिएगा जिनका बुध अष्टम में या कहीं पर भी पूरी तरह से कमजोर होकर बैठा हो 6-8-12 भाव में बुध अगर, और वो लोग कितनों प्रयास कर लें किसी भी बच्चे को, चाहे चॉकलेट के बहाने उनको गोद में लेने का,
या फिर उन्हें बिस्कुट देने के बहाने, लेकिन फिर भी वो बच्चा नहीं आएगा। लोभ के बस वो उनसे बिस्कुट या चॉकलेट लिए तो लेगा, लेकिन उनके पास नहीं जाएगा, क्योंकि बुध एक बालक ग्रह है, उन कारकत्वों में कमी करेगा जिसका बुध स्वामी होता है या जिनका बुध कारक होता है। मित्र का कारक है, मित्र से धोखा देगा। वाणी का कारक है, वाणी में हकलापन आएगी, बीच में बोलते बोलते आप अटक जाएंगे। वैसे ही बुध जो है मुख को भी स्थान देता है, तो मुख में हमेशा मुंह से बदबू मारेगा, उसके बाद चर्म रोग ज़्यादा होगी। अब ये तो हो गई बुध की बात, आइए सूर्य की बात करते हैं। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, आत्मा का स्वामी, आत्मा का कारक ग्रह होकर और पिता का कारक ग्रह, विशेष रूप से पिता का कारक ग्रह सूर्य है, आत्मा का कारक ग्रह है। उसके बाद प्रशासनिक सेवाओं का, गवर्नमेंट जॉब के लिए विशेष रूप से सर्वप्रथम हमें सूर्य को देखना होता है, तो प्रशासनिक सेवाओं का कारक ग्रह, राजनीति का कारक ग्रह सूर्य होता है, वो अष्टम में बैठ गया। कई बार तो पिता का सुख मिलता ही नहीं है। नंबर वन तो पिता जन्म लेने के बाद ही मृत्यु हो जाते हैं, या जातक को अथवा जातिका को पिता का सुख मिलता ही नहीं है। दूसरा, जन्म ले भी जाए तो पिता से कोई सहयोग नहीं मिलता, और वो भी मिल गया तो पिता से आजीवन संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, ये हमेशा समस्या देखने में ही आई है। आत्मा का कारक होकर मृत्यु के घर में बैठा है, नो डाउट, आत्मा को कभी भी मृत्यु का दोष नहीं लगता, क्योंकि आत्मा न तो पैदा होती है और न ही मरती है। लेकिन सूर्य तेज का कारक ग्रह है, मस्तिष्क पर जो तेज आता है चेहरे के ललाट पर, वो आप किसी को भी देखते हैं तो किसी के चेहरे के ललाट पर जो तेज है उसे देखकर ये पता किया जा सकता है कि उसका सूर्य काफ़ी मजबूत है। और वहीं सूर्य कमजोर हो जाएगा तो व्यक्ति कितना ही खुश क्यों ना रह ले, कितना ही वो प्रसन्न क्यों ना हो, उसके चेहरे पर कभी लालिमा और कभी उसके चेहरे पर जो तेज होनी चाहिए वो नहीं होगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बुरा प्रभाव दे रहा है। सूर्य अष्टम में चला गया, पेट से संबंधित समस्याएं, हृदय से संबंधित समस्याएं आना स्वाभाविक सी बात है, और आज के समय में बालों का झड़ना विशेष रूप से लागू हो जाता है, क्योंकि सूर्य को देखें तो हड्डी का भी कारक ग्रह होता है। और बुध यदि अष्टम में दोनों कमजोर हो गया तो एक तो चमड़ी भी कमजोर हो गया, क्योंकि त्वचा का कारक ग्रह बुध है, वो अष्टम में कमजोर हो गया और सूर्य कमजोर हो गया, तो चेहरे पर से तेज भी खत्म हो जाएगी, त्वचा भी कमजोर हो जाएगा, सो स्वाभाविक सी बात है कि बालों का झड़ना ये तो कोई नहीं है। किसी भी कीमत पर अष्टम स्थान में बुधादित्य योग नहीं बनेगा, नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो। यदि दोनों बलवान हैं तो किसी न किसी परिस्थिति में यहाँ पर विपरीत राज्यों का निर्माण हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो ही जाए, क्योंकि बल नहीं रहेगा तो कोई भी राजयोग नहीं बनेगा। किसी भी ग्रह के पास बल नहीं रहेगा तो क्या वो राजयोग का फल दे देगा? नहीं देगा। नीच भंग राजयोग बन सकता है, एक नीच का हो एक ऊंच का, लेकिन बुधादित्य योग या कोई भी राजयोग ज़्यादातर फलीभूत नहीं होता है। दोनों ऊंच का भी होकर बैठ जाएं या दोनों अच्छी स्थिति में भी, तो कभी कभार आकस्मिक धन लाभ जरूर देंगे, लेकिन अपने कारकत्वों में कमी ये हमेशा करेंगे, इसमें कहीं से भी कोई संशय नहीं है।